2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ। बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 राज्यों में विपक्षी दल बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए 272 के जादुई आंकड़े तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है। दरअसल अगर विपक्षी एकता की ये बैठक सफल होती है और सभी दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार हो जाते हैं, तब इसका सीधा असर 12 राज्यों की 328 लोकसभा सीटों पर पड़ेगी। इन 328 सीटों में अभी 128 विपक्षी पार्टियों और 165 सीटें भाजपा के पास है। बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है विपक्षी एकता की इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के 12 क्षत्रप शामिल हुए। इनके पास लोकसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से मुख्य रूप से बिहार की जेडीयू के पास 16 सीटें, झारखंड के जेएमएम के पास 1 सीटें, महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव गुट के पास 18 और एनसीपी के पास 4 सीटें, पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास 23 सीटें, तमिलनाडु की डीएमके के पास 23 सीटें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें, पंजाब और दिल्ली में आप के पास 2 सीटें शामिल हैं। 2019 में 185 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 थे। इनमें मुख्य तौर पर यूपी 74 सीटें, बंगाल 39 सीटें, ओडिशा 19 सीटें, महाराष्ट्र 10 सीटें, बिहार 15 सीटें, झारखंड और कर्नाटक में 6-6 सीटें हैं। इन 185 सीटों में से 188 सीटों पर कांग्रेस का रोल लिमिटेड या बहुत कम था। इनमें खासकर यूपी की 74, पश्चिम बंगाल की 39, ओडिशा की 19 सीटें शामिल हैं। अगर महागठबंधन बनता है तो यहाँ मेन कॉन्टेस्ट बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच होगा। कांग्रेस का यहाँ खास असर नहीं है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था। इनमें क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। बीजेपी और कांग्रेस लड़ी भी तो नंबर 3 और नंबर 4 रही। 43 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ। इन 97 सीटों में से मुख्य रूप से तमिलनाडु की 27 सीटें, महाराष्ट्र की 16 सीटें, बिहार की 16 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। बाकी की 13 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला दें तो इन 43 सीटों पर गठबंधन पहले से ही है। बाकी के 54 सीटों पर काफी मुश्किल होने वाली है। 71 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला हुआ था। इनमें पंजाब की 10 सीटें जहां अकाली दल वर्सेस कांग्रेस, तेलंगाना की 11, बीआरएस बनाम कांग्रेस, केरल की 15, कांग्रेस बनाम सीपीएम, बिहार में ऐसी 7 सीटें हैं। इनमें 36 सीटें ऐसी हैं जहां ऑपोजिशन यूनिटी पॉसिबल ही नहीं है। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां हैं। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी लड़ाई हुई थी। इनमें 175 सीटों पर भाजपा जीत कराई थी और 15 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इनमें मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश की 29 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, महाराष्ट्र की 15 सीटें, राजस्थान की 24 सीटें, कर्नाटक की 2 सीटें, हरियाणा की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, असम की 9 सीटें, पंजाब की 3 सीटें, उत्तराखंड और हिमाचल की 9 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें शामिल हैं। गौरतलब है पटना में विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी को हराने को लेकर रणनीति बनी। हालांकि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी दलों में एकता नहीं बन पाई है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। अगर विपक्षी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन जाती है तो 2024 चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।